और उसके बाद प्रशासन अभी तक गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ लीपापोती करने का काम कर रहा है। मैंने बार बार इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में दलितों को, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को चिन्हित करके कलम की जाए। आनंद जैसे चौकीदार हैं प्रदेश में, जिनकी हत्या पिछले साल डेढ़ साल में बढ़ी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाते और यहाँ पर उनको गोली मार दी जाती है। गुरुदेव पासवान जी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान उनकी बारिश होना खेल और उसके बाद परिवार को आगे बढ़ाने के अभी तक ये अपने में दर्शाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग से आने वाले या गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को लेकर सरकार का कितना उदासीन रवैया है। मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो ये विषय दूंगा ही, डीजीपी साहब के भी दूंगा, एसपी साहब के भी दूंगा, पर कम से कम ये जिम्मेदारी इन लोगों की रखी है कि परिवार को तत्काल प्रभाव से न्याय देना और जो आश्रय है परिवार को, भाई मैं तो परिवार का ही हूँ, उनको मुझसे तो जितना मन पड़ेगा मैं करूँगा ही। आज भी मैंने मदद की है, मैं आगे भी मदद करूँगा और ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकारी नौकरी में रहने वाला व्यक्ति सरकार की सेवा के दौरान जिस व्यक्ति हत्या हुई हो, कम से कम परिवार के आश्रितों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, छोटी लड़की बचाई किस तरीके से कौन देखने वाला है भैया इन लोगों को? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये लोग बिहारी नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर तो कम से कम बनती है कि परिवार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए परिवार के पुनः पालन पोषण की व्यवस्था हो, कमाने खाने खिलाने वाला व्यक्ति परिवार का, तो परिवार की जिम्मेदारी परिवार को ना अपने आप को खड़ा कर पाने प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा और हम लोगों को भाई आप मदद भी किए हैं, कुछ पैसे भी दिए हैं परिवार को, कितना मदद किए हैं भाई? मुझसे जितना बन पाया उतनी मैंने मदद की और ये